ये फोर क्लिप आप ऑपरेटर हैं तो आप लोग को जानना चाहिए। मैं इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि फोर क्लिप ऑपरेटिंग में आपका जो प्रिंसिपल है, जो लिफ्टिंग प्रिंसिपल है, वो चार तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ लिख के भी आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है। आप देखिए, जैसे फोर क्लिप, जैसे ये फोर क्लिप जब नॉर्मल होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर में होता है, मगर जब लोड हम लिफ्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैक्सिमम लोडेड फोरक्लिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अनलोडेड फोरक्लिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप देख सकते हैं। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आप इस तरीके से समझें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका तीन पहिए का आप देखे होंगे साइकिल, अब एक तरफ फोर्स लगाइएगा या इधर ज़्यादा फोर्स लगाए तो जाहिर सी बात ही टॉपल ओवर हो सकता है। इसलिए हमेशा लोड आपका सेंटर में हो, ऐसा नहीं कि लोड आप इधर इस तरीके से आप लोड ज़्यादा दे दिए तो यही टॉपल ओवर होने का कारण बनता है। और जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, और जो वो फ्रंट व्हील पे भी आपका ट्रांसफर करता है लोड, और एक्सल के बैक एक्सल पे भी आपको काम करता है, ट्रांसफर करता है लोड। अभी देखिए, ये फुलक्रम लोड हम नहीं समझते हैं, नॉर्मली जो ये जो लोड है, जैसे ही आप लोड लिफ्टिंग करते हैं तो एक लोड जो कहलाता है, जिसको फुलक्रम लोड बोलते हैं, ट्रायंगल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल मतलब ये प्रिंसिपल कह सकते हैं लिफ्टिंग का कोई भी इक्विपमेंट से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी ध्यान देना है, और जब मूवमेंट करता है उसके हिसाब से भी आपका चेंज होता है। तो ये चार प्रिंसिपल है जो लिफ्टिंग के लिए जो है ना, दे आर कह सकते हैं कि फोर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जो हम लोग को एज ए आप ऑपरेटर हैं तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये बेसिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा करें, प्रिंसिपल समझें, ठीक है। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए कि हमेशा इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप फोर्कलिफ्ट कोई मटेरियल आप लिफ्ट करें, ठीक है। आज जनरली देख रहे हैं आप काउंटर वेट हमेशा इधर है, ये फोल्क्रम लोड जैसे ही लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सारे को कंसिडर करना है, ठीक है।